कि हमारी व्यापार मतलब बिजनेस चल रही है 5 स्टेट में, ठीक है, जैसे बिहार में भी है, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, यूपी में। अभी हमारे बिजनेस जो ग्रोथ कर रही है उसके कारण ये हमको 2021 से परेशान कर रहा है। हम 2 अप्रैल 2021 से उस टाइम में हमसे 10 लाख की डिमांड किया था तो हमने नहीं दिया। दुर्गा पूजा में जो 2023 के दुर्गा पूजा जो बीता है उसमें 15 लाख का 2 सोफा का डिमांड किया था जो कि हमने उनको नहीं दिया, किसने? पप्पू यादव ने खुद अपने से। और उसके बाद इलेक्शन के टाइम में एक अमित यादव है मधेपुरा के जो कि BSNL में कार्यरत है और अभी उसकी पोस्टेड है झारखंड में SDO के पोस्ट पे रांची में। उसके बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया तो बोला कि मधेपुरा के हैं तो बोले राजा जी कहाँ है, तो बोले पूर्णिया में है, तो बोला आपको MP साहब मदद करना है। हम बोले ठीक है, हम लोग मदद कर ही रहे हैं, हमारे पवन भैया भी है बोले ठीक है, वो भी मदद कर रहे हैं, हम लोग भी मदद कर रहे हैं, सब साथ में हैं। उसके बाद फिर वो कुछ दिन के बाद हमको 5 तारीख को बुलाने का प्रयास किया अर्जुन भगवान कि आप एक बार आइए MP साहब से मिलिए, जो कि हमको 10-15 बार कॉल भी किया, हम उसको इग्नोर करते गए। आधा घंटा हम कॉल करता था, 15 मिनट कॉल करता था, हम उसको इग्नोर करते चले गए। 5 अप्रैल 2024 को हमको काफ़ी कॉल किया तो हम तंग हो गए, तो बाद में उसका फ़ोन हम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। उसके बाद फिर वो हमको फिर मतलब फ़ोन किए दूसरे नंबर से और फिर अपने नंबर से भी कि आप जो है कुछ सांसद साहब मदद कीजिए। तो हमको बोले ठीक है, क्या बोलिए, तो बोला 25 मदद कीजिए। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर वो हमको फ़ोन नहीं किया, उससे बका बकी हो गया, हम इग्नोर चले गए। तो उसके बाद वो हमको डिमांड किए इसमें जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को रात अच्छा में 10:31 पे कॉल किया और बोला कि अब तुम जो बोले थे नहीं दिए हो तो अब एक का व्यवस्था करो, 1 करोड़ का, नहीं तो पूर्णिया 5 साल के लिए छोड़ दो, नहीं तो गेट से बाहर मत निकलो। किसने बोला? ये अमित अमित यादव कौन है? उनका मतलब कि कार्यकर्ता है, अच्छा, मधेपुरा से कार्यकर्ता है उनका, तो उनके नाम पे बोला? हाँ उनके नाम पे। खुद पप्पू यादव भी कितने बार हमको बोले थे दुर्गा पूजा से 2021 से, मेरे पास प्रूफ भी है तो उनके फिर नंबर से, जो अभी वो नंबर जो दिए हैं 9990423 2, उस नंबर से जो मतलब चैटिंग वीटिंग हुआ है वो मेरे पास प्रूफ भी है आपने FIR करवाया उस पर? जी। क्या उसमें आरोप लगाया है? यही रंगबाजी मांग रहा है, जान से मारने की धमकी दिया है, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, मेरा डिमांड पूरा करो। अब प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारी सुरक्षा की जाए, हमारे व्यापार की सुरक्षा की जाए अभी पुलिस सुरक्षा भी मिला है? जी। कितने जवान मिले हैं? 2 जवान दिए गए, क्या चीज़ का बिजनेस है आपका? फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का, किस नाम से? आर बाजार के नाम से। मेरी कंपनी का नाम है माँ अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेडमार्क है आर बाजार। तो अभी क्या स्थिति है घर के? घर के सब बेचैन हैं, दिन रात से मैं सोया नहीं हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजा कुमार,